दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक बटरफ्लाई का जन्म कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले तितलियां पेड़ पौधों पर अंडा देती है। 5 दिनों के बाद इन अंडों का रंग बदलकर काला होने लग जाता है। उसके बाद उस अंडे में से एक लार्वा बाहर आता है और बाहर आते ही भूख के चलते उसी अंडे को खा जाता है। धीरे धीरे वह बड़ा होकर पत्तों को खाने लगता है और 20 से 25 दिनों में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। अब बारी आती है प्यूपा बनाने की, जिसके लिए ये अपने मुँह से एक चिपचिपे पदार्थ को बाहर निकालता है और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेता है। और अब करीब 25 दिनों के बाद उसमें से एक खूबसूरत तितली बाहर निकलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।